नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल क्रिप्टो राठौर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों दोस्तों आज मैं आपको एडवाजियो की जो ओल्ड एप्लीकेशन है उसका जो पेमेंट आया है आपको माई इथर वॉलेट के अंदर, ऑक्सफिना का जो टोकन आपको मिला है, तो उस ऑक्सफिना के जो टोकन को आप क्रिप्टोपिया एक्सचेंज पर कैसे बेचें, वहाँ पे कैसे सेल करें, वो कंप्लीट प्रोसेस मैं आज मैं आपको बताऊँगा पार्ट टू में। इससे पहले आप माई इथर वॉलेट के अंदर इथेरियम का कुछ अमाउंट 0.02 या 0.04 इथेरियम आपको बिटरेक्स एक्सचेंज से या किसी भी एक्सचेंज से आप इथेरियम का थोड़ा बहुत अमाउंट आपको माई इथर वॉलेट के अंदर रखना है, ताकि आप ऑक्सफिना का जो टोकन है उसको क्रिप्टोपिया एक्सचेंज पे यह लिस्टेड है वहाँ पर आप इसको सेल करें और प्रॉफिट उठा सकें। उससे पहले आप मेरा पार्ट वन देखिए, जैसे कि उसमें आपको पता चलेगा कि बिटरेक्स एक्सचेंज के माई इथर वॉलेट से हमने माई इथर वॉलेट के अंदर इथेरियम को जो डिपॉजिट किया है उसका प्रोसेस क्या है। ठीक है, उसके बाद आप इस पार्ट टू को देखिए अच्छी तरह से, और फ्रेंड्स इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है फ्रेंड्स, अभी मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि आप माई इथेरियम का जो वॉलेट है उसके अंदर आप ऑक्सफिना का जो टोकन है उसको क्रिप्टोपिया एक्सचेंज पर कैसे सेल करें। उससे पहले आपको एक काम करना है, ऑक्सफिना डॉट कॉम की वेबसाइट ओपन कीजिए और क्रिप्टोपिया एक्सचेंज की वेबसाइट आप ओपन कीजिए, और बिटरेक्स की वेबसाइट अभी आपको ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। ये सबसे पहले आपको जो ऑक्स टोकन आपको मिला है, जो ओल्ड वॉलेट थे ऑक्सफिना डॉट कॉम का जो वॉलेट एड्रेस था एक महीने से चल रहा है और आपने ऑलरेडी अपडेट कर रखा है माई इथर वॉलेट के अंदर, तो सबसे पहले आपको दोबारा से ऑक्सफिना डॉट कॉम की वेबसाइट पे जाइए। आप वहाँ पे लेफ्ट साइड में क्राउड सेल के ऊपर क्लिक कीजिए, जैसा कि आप देख रहे हैं आपको दोबारा से जो ऑक्सफिना का जो नया टोकन एड्रेस है वो दोबारा से आपको कंप्लीट प्रोसेस करनी है। माई इथर वॉलेट के अंदर आपको ऑक्सफिना का टोकन दोबारा से ऐड करना है, अगर आपको ऑक्सफिना का टोकन क्रिप्टोपिया एक्सचेंज पे सेल करना है, तो मैं कंप्लीट प्रोसेस आपको दिखा रहा हूँ फ्रेंड्स। ठीक है, तो आप माई इथर वॉलेट पे कैसे सेंड करेंगे, कैसे अपडेट करेंगे वो सारा देखिए। सबसे पहले क्रिप्टोपिया एक्सचेंज खोलिए आप, उसको अपना अकाउंट रजिस्टर कीजिए, उस पर लॉगिन कीजिए, उसके बाद माई इथर वॉलेट के अंदर आपको लॉगिन करना है। ठीक है, व्यू वॉलेट इन्फो पे आप क्लिक कीजिए और इसमें आप लॉगिन कीजिए माई इथर वॉलेट के अंदर, और सबसे पहले व्यू वॉलेट पे क्लिक कीजिए, प्रोडक्ट प्राइवेट की आप इसमें पेस्ट कीजिए, अनलॉक पे क्लिक कीजिए, ये आपका वॉलेट एड्रेस है, और राइट साइड में आप देख सकते हैं ओक्स टोकन दिखाया हुआ है, और ऊपर इथेरियम का कुछ अमाउंट आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा बिटरेक्स से, जो आपकी मेरे पार्ट वन में आप देख चुके हैं कैसे डिपॉजिट करते हैं इथेरियम किसी भी एक्सचेंज से माई इथर वॉलेट के अंदर, अगर आपको ट्रांजेक्शन या ट्रेडिंग ऑक्सफिना के जो टोकन उसकी करनी है तो। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद आपको क्या करना है, अभी आप राइट साइड में देखिए ये टोकन बैलेंस है, एक अकाउंट है मेरा, तो उसमें अभी आपको ऐड कस्टम टोकन पे क्लिक करना है, उसके बाद ऑक्सफिना डॉट कॉम पर जाइए, लेफ्ट साइड पे क्राउड सेल पे क्लिक कीजिए, और सेंटर में जो यह एड्रेस है आप देख रहे हैं या यह नया वॉलेट एड्रेस है, इस नए वॉलेट एड्रेस को आपको कॉपी करना है, सिंबल OX-3 ये तीनों चीज़ आपको वहाँ पे लिखनी है। तो सबसे पहले आप वॉलेट एड्रेस को कॉपी कीजिए, कॉपी करने के बाद आप जाइए माई इथर वॉलेट के अंदर, राइट साइड में एड्रेस को पेस्ट कीजिए, टोकन सिंबल OX-3, और इसको सेव करेंगे आप तो आपका जो ऊपर टोकन बैलेंस है ओक्स का वो डबल हो जाएगा, दो बार दिखेगा। तो यह प्रोसेस ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका हूँ मैं इस वॉलेट के अंदर स्पेशली। ठीक है, तो ये आपको करना है, दो बार आपका ओक्स टोकन वहाँ पे शो करेगा और ऊपर इथेरियम का आपका कुछ अमाउंट डिपॉजिट होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको सेंड इथर एंड टोकन पर क्लिक करना है ऊपर, फिर आपको प्राइवेट की आप यहाँ पर आपको पेस्ट करनी है, तो आपको प्राइवेट की पेस्ट करनी है, प्राइवेट की पेस्ट करने के बाद आपको क्या करना है वो नेक्स्ट प्रोसेस आप देखिए सिस्टमेटिक वे में। ठीक है, व्यू वॉलेट इन्फो पे क्लिक कीजिए, प्राइवेट की के ऊपर क्लिक कीजिए, अनलॉक कीजिए, उसके बाद सेंड इथर एंड टोकन पे क्लिक कीजिए, फिर प्राइवेट की पे आप क्लिक कीजिए, फिर पेस्ट कीजिए, अनलॉक कीजिए, उसके बाद राइट साइड में आपके पास इथेरियम होना चाहिए यहाँ पर, और राइट साइड में ओएक्स टोकन का बैलेंस होना चाहिए, दो बार दिखा होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगेन आपने ऐड किया है नया ओएक्स टोकन का एड्रेस। ठीक है, अब क्रिप्टोपिया एक्सचेंज पे अकाउंट बनाइए, लॉगिन कीजिए, राइट साइड में टॉप कॉर्नर पे बैलेंस पे क्लिक कीजिए आप। जैसे ही आप बैलेंस पे क्लिक करेंगे, बैलेंस पे क्लिक करने के बाद आपको जितनी भी क्रिप्टो करेंसी इस पे लिस्टेड है वो दिखाई देगी, ऊपर सर्च पे राइट टॉप कॉर्नर पे आप देखिए वहाँ पे OX टाइप कीजिए, जैसे OX टाइप करेंगे तो ऑक्सफिना का टोकन आ जाएगा, ये देखिए डिपॉजिट विदड्रा। ठीक है, यहाँ पे 0.0 है अभी,
और लेफ्ट साइड पे डिपॉजिट पे आप क्लिक करेंगे तो आपको डिपॉजिट का एड्रेस मिल जाएगा यहाँ से। जैसे मैंने डिपॉजिट पे क्लिक किया तो ये एड्रेस आपको कॉपी करना है यहाँ से, ठीक है। और अभी आपको जाना है माई इथर वॉलेट के ऊपर, इस एड्रेस को कॉपी कीजिए, ये ऑक्सफिना का एड्रेस है, यहाँ पर आपको पेस्ट करना है एड्रेस टू एड्रेस। इस एड्रेस के ऊपर आप माई इथर वॉलेट से ऑक्सफिना का टोकन सेंड कर रहे हैं। इथेरियम के बाद आप ओएक्स यहाँ पे सेलेक्ट करना है सेकंड बॉक्स में, ठीक है। और यहाँ पे आपको अमाउंट डालना है 100 भी 200 1000 कुछ भी आप डाल सकते हो। और गैस लिमिट में आपको 2 लाख से ज़्यादा यहाँ पे लिखना है, ठीक है। गैस लिमिट 2 लाख से ज़्यादा, 10 और लगाइए यहाँ पे, तो 10 और लगा दिया, ये 5,31,000 हो गया और 900, ठीक है। 2 लाख से ज़्यादा यहाँ पे गैस लिमिट में आपको लिखना है कोई भी अमाउंट हो। राइट साइड में आप देख रहे हैं ये ओक्स के टोकन बैलेंस पड़ा हुआ है, ऊपर इथेरियम पड़ा हुआ है, ठीक है। अभी आपको इस एड्रेस पे आप, ये एक्सचेंज का एड्रेस है ऑक्सफिना टोकन का, ठीक है, वो आपने ऑलरेडी पेस्ट कर दिया, ऊपर अमाउंट लिख दिया, ओक्स टोकन सेलेक्ट कर लिया, गैस लिमिट। अब जनरेट ट्रांजेक्शन पे क्लिक करना है आपको। जैसे आप जनरेट ट्रांजेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको रा ट्रांजेक्शन और साइन ट्रांजेक्शन, ये दो ट्रांजेक्शन के कुछ कोडिंग दी हुई है, इन दोनों को आपको कॉपी करके सेव करना है ताकि आपको पता चल सके कि इस ट्रांजेक्शन की, जो रा ट्रांजेक्शन है और साइन ट्रांजेक्शन है, इन दोनों ट्रांजेक्शन में एक ट्रांजेक्शन होगा माई इथर वॉलेट का, दूसरा होगा ओक्स ना, एक माई इथर वॉलेट का ओक्स टोकन का, दूसरा क्रिप्टोपिया एक्सचेंज का होगा। इन दोनों के थ्रू आपका ऑक्सफिना का जो टोकन है वो क्रिप्टोपिया एक्सचेंज पे जा रहा है, एक कमिंग है एक आउटगोइंग है, ठीक है फ्रेंड्स। तो उसके बाद आपको सेंड ट्रांजेक्शन के ऊपर क्लिक करना है, नीचे देखिए उनको कॉपी कर लो, सेव कर लो, जो दोनों दे रखे हैं। जैसे आप क्लिक करेंगे सेंड ट्रांजेक्शन पे, ये वार्निंग दिखाएगा कि आप 1000 ओक्स के जो टोकन है वो इस एड्रेस पे सेंड कर रहे हैं, जो कि क्रिप्टोपिया का ऑक्सफिना टोकन का एड्रेस है। और यस पे आपको क्लिक करना राइट से, यस आई एम श्योर। जैसे आप यस पे क्लिक करेंगे आपको एक ट्रांजेक्शन हैश मिल जाएगी, उस ट्रांजेक्शन हैश के द्वारा आपके पास ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं ये आएगा एक मैसेज, वो 3 घंटा 3+ आवर टू कन्फर्म होने में टाइम लगेगा इसको, 3+ यानी कि 3 घंटे से ज़्यादा का टाइम लगेगा इसमें, तो वेट करना है आपको 3 घंटे तक, ठीक है, कम से कम। और ये नीचे ट्रांजेक्शन है, इसको आप कॉपी कीजिए, इसको आप पेस्ट कीजिए, अपने नोटपैड में सेव करके रखिए। इस ट्रांजेक्शन हैश के द्वारा आपके जो 1000 टोकन है वो क्रिप्टोपिया एक्सचेंज के अंदर जा रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये ट्रांजेक्शन हैश है, इसको आप लिख लीजिए यहाँ पर नोटपैड के ऊपर, माई इथर वॉलेट ट्रांजेक्शन हैश, ठीक है, पेस्ट कीजिए और एक लाइन और लिख लीजिए टू क्रिप्टोपिया, ठीक है। तो ये आपको याद रहेगा कि आपका क्रिप्टोपिया का ट्रांजेक्शन हैश ये है, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है आपको, सेंड ट्रांजेक्शन पे क्लिक करना है, चेक ट्रांजेक्शन पे क्लिक करेंगे आप, ये ट्रांजेक्शन हैश है, इसको कॉपी कीजिए आप और इस पे चेक ट्रांजेक्शन स्टेटस पे आप क्लिक कीजिए। आप चेक कर सकते हैं आपका ट्रांजेक्शन अंडर प्रोसेस है। जैसे आप करेंगे क्लिक यहाँ पे तो ये एक विंडो ओपन हो जाएगा, सेंटर में आपका ट्रांजेक्शन हैश ऑलरेडी पेस्ट हुआ होगा और आपको चेक ट्रांजेक्शन स्टेटस, इस पे क्लिक करेंगे तो नीचे जो पेंडिंग ट्रांजेक्शन फाउंड की जो लाइन दिख रही है आपको, वो आपको लाइन दिखाई देगी यहाँ पे, ठीक है। और आप इसको स्क्रॉल कीजिए डाउन साइड कर्सर लेके जाइए आप, उसके बाद आपको यहाँ पे पूरा दिखाई देगा ट्रांजेक्शन हैश फ्रॉम एड्रेस, जो आपका माई इथर वॉलेट एड्रेस है, टू दिस एड्रेस, और नीचे जो अमाउंट है गैस लिमिट वही है, ठीक है, और डाटा ये है, इसका कोडिंग है, और नीचे आपका वॉलेट का कुछ दे रखा है जो लॉगिन प्रोसेस में काम होता है। और राइट साइड में इसमें आप देखिए क्रिप्टोपिया एक्सचेंज पर डन पे क्लिक कीजिए, व्यू डिपॉजिट हिस्ट्री पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 3 घंटे के बाद आपको ऑक्सफिना का जो टोकन है, कितने टोकन आपके पास आए हैं, किस एड्रेस से आए हैं, वो आपको दिखाई देगा। जैसे ओएक्स टाइप कीजिए यहाँ पर आप, ऑक्सफिना का जो अभी 00 लिखा हुआ है बैलेंस यहाँ पर, तो जैसे ही 3 घंटा होगा उसके बाद यहाँ पे 1000 ऑक्स टोकन का अमाउंट आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से आपको ये ट्रांजेक्शन कंफर्म करना है। और कोई अगर डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस यूट्यूब चैनल को, ताकि आपको करंट इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा मिलते रहे टाइम टू टाइम, ठीक है फ्रेंड्स। आशा करता हूँ आपको यहाँ पर सब कुछ समझ में आ गया होगा, ठीक है फ्रेंड्स। और इस तरह से